हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र ब्रजघाट गंगा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम प्राथमिक विद्यालय में जाकर बच्चों को ड्रेस अर्पण किया, पश्चात ब्रजघाट गेस्ट हाउस जाकर पौधा अर्पण कार्यक्रम किया, जिसके बाद गंगा घाट जाकर मुख्यमंत्री ने गंगा मैया की आरती की। यह देश आस्थाओं पर टिका हुआ देश है और इस देश की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का जिसने भी दुस्साहस किया है, जनता ने उसे पैरों से रौंदने में कोई कोताही नहीं पड़ती है और भावनाओं की कोई अनदेखी नहीं कर सकता, उन जनभावनाओं की कोई अनदेखी नहीं कर सकता है। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच कहने के आए हैं कि कार्तिक मास में लगने वाले उस मेले को हम राजकीय मान्यता दे करके इस क्षेत्र में सरकार लाखों लोग आते हैं यहाँ पर और उन लाखों श्रद्धालुओं की भावनाओं को कभी जो सम्मान नहीं दिया गया वो सम्मान दिया जाना चाहिए था। यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव, लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश संपूर्ण उत्तर प्रदेश आता है, यहाँ पर हरियाणा के लोग दिल्ली से, राजस्थान से, पंजाब से, देश के कोने कोने से श्रद्धालुजन आकर के आस्था को व्यक्त करने के लिए आते हैं। और जैसे 5000 वर्ष पहले और उससे पहले भी पुराण काल में भगवान शिव के गौरव की मुक्ति का ध्यान यहाँ पर चला था, इस स्थान पर उन्हें मुक्ति मिली थी और 5000 वर्ष पहले महाभारत के युद्ध में उन सभी आत्माओं की मुक्ति के लिए भी भगवान कृष्ण ने अपना अभियान यहीं से प्रारंभ किया था। इतना 5000 वर्ष पुराना इतिहास तो ज्ञात है और भगवान शिव का गणों के साथ आप जोड़ेंगे तो उससे भी पुराना इतिहास इसका लगता है। दुनिया के अंदर कोई कह सकता है, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई संप्रदाय, कोई सेक्ट अपने इतिहास को क्या 5000 वर्ष का कह सकता है? नहीं। लेकिन आपका इतिहास कितना पुराना है गढ़मुक्तेश्वर, उसका उदाहरण आपके सामने है।